सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की गाइडलाइन है कि अगर किसान पराली जलाते हुए पाए जाएंगे तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही जो सरकार है वह कहती है कि अगर पराली जलेगा तो वह सेटेलाइट से देखा जाएगा और वह सेटेलाइट के पकड़ में आ जाता है। लेकिन नौतनवा जो नगर पालिका है उसके द्वारा मॉडर्न एकेडमी के बगल में एक कूड़े के लिए डंपिंग ग्राउंड बनाया गया है और उसमें आप देख सकते हैं कि आग लगा हुआ है और धुआं उठ रहा है। यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है। लेकिन मैं सरकार से, प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ, क्या यह पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेगा? क्या किसानों की जो पराली से धुएं निकलते हैं क्या उसी पे कार्रवाई होगी? अगर नगर पालिका यहाँ डंपिंग ग्राउंड बनाया है तो उसमें आग कैसे लगी है? क्या यह सैटेलाइट में नहीं आएगा? अगर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की गाइडलाइन किसानों पर लागू होती है तो नगर पालिका पर भी लागू होती है। और नगर पालिका के द्वारा जो यहाँ डंपिंग ग्राउंड बनाया गया है, इसमें आग लगाया गया है, इसका जिम्मेदार कौन है? जो सुप्रीम कोर्ट है, एनजीटी है, उसकी गाइडलाइन से हम पूरी तरीके से सहमत हैं। अगर पराली जलेगा तो वह वातावरण को प्रदूषित करेगा और जो लोग रहने वाले हैं, देश के नागरिक हैं, वह उनके लिए ही हानिकारक होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस त्वरित तरीके से किसानों के ऊपर कार्रवाई हो रही है उसी तरीके से यहाँ भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि यह जो धुआं निकल रहा है कचरे से, यह भी पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। नौतनवा गैस एजेंसी के पास अमलहवा घाट है, वहाँ कूड़े के लिए डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है, उसमें आग लगी हुई है, तो क्या वह एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन है उसके दायरे में नहीं आता है क्या? नहीं, बिल्कुल आता है। एनजीटी के जो भी निर्देश होते हैं, जो भी आदेश होते हैं, उसका पालन किया जाता है। लेकिन अब आग किसी अब किस कारण लगी हमको नहीं पता है, लेकिन अब भी हम तुरंत कार्रवाई करते हुए आग को भी अपने आदमियों को निर्देशित करते हैं जाके आग बुझाया जाए, जिससे एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट का आदेशों का पालन हो सके। सर, कब तक ये बुझ जाएगा? अभी बस कुछ ही घंटों में, मैं कुछ ही घंटों में कोशिश करता हूँ आग बुझा दिया जाए, जिससे प्रदूषण से हम सबको मुक्ति मिले। कैमरामैन चंद्रकांत मौर्या के साथ मैं सतीश चंद्र यादव, चौथा स्तंभ, उत्तर प्रदेश।